आज उपखंड मुंडावर पर 1,11,000 रुपये टीम ललित यादव की तरफ से दिया गया है और इस पैसे का यूटिलाइज़ पहले तो अगर हमारे यहाँ कोरोना महामारी में कहीं काम में आता तो उसमें लिया जाए और उसके अलावा अगर ये पैसा बच जाता है तो इसी पैसे को हमारे यहाँ के अस्पताल में काम में लिया जाए जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। और इसका उद्देश्य केवल यही है कि नर सेवा नारायण सेवा लोगों की सेवा हो सके। अभी जो हमने एसडीएम साहब को जो प्रपोजल दिया है उसमें उन्होंने बताया कि जो पैसा अगर इसमें और लगेगा तो हमने कहा और पैसा भी हम लोग इसमें इकट्ठा करके दे देंगे। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर मुंडावर राजस्थान से संजय यादव मीडिया प्रभारी के साथ। नरसेवा नारायण सेवा टीम ललित यादव मुंडावर द्वारा आर्थिक सहयोग। आज कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए उपखंड स्तरीय COVID-19 राहत कोष में टीम श्री ललित यादव जी के सहयोग से 1,11,000 रुपए की राशि मुंडावर SDM श्री अभिषेक खन्ना एवं तहसीलदार श्री सूर्यकांत शर्मा जी को भेंट कर क्षेत्र वासियों की सेवा करने एवं कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचाव एवं इलाज में मदद का एक छोटा सा प्रयास किया है। कांग्रेस नेता ललित यादव ने कहा कि आप सभी की सतर्कता एवं जागरूकता से मुंडावर अभी तक इस महामारी से अछूता है। ललित यादव ने सभी मुंडावर विधानसभा वासियों से अपील की है कि सभी अपने अपने घरों में रहें और इस कोरोना महामारी को हराएं।